नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज लाइव में। मैं हूँ आपके साथ हारिस। इस वक्त लखनऊ से सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर अखिलेश यादव विजय रथ यात्रा निकालने जा रहे हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि इस वक्त ये लखनऊ की सबसे बड़ी खबर है कि अखिलेश यादव सपा अध्यक्ष एक्सप्रेसवे पर, जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जिसका कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया था, उस पर आज विजय रथ यात्रा निकालने जा रहे हैं। अखिलेश यादव एक्सप्रेसवे पर ये पूरी यात्रा निकाली जाएगी। गाजीपुर से लखनऊ तक ये विजय रथ यात्रा निकाली जा रही है। आपको बता दें कि एयरस्ट्रिप के पास जनसभा को संबोधित करेंगे। दौरान आपको बता दें कि अखिलेश यादव अपने कार्यकर्ताओं के साथ वहाँ पर संबोधित करेंगे। आज सुबह करीब 11:30 बजे गाजीपुर पहुँचेंगे अखिलेश यादव। आपको बता दें कि गाजीपुर के परपुरा में जनसभा करेंगे अखिलेश यादव। गाजीपुर से लखनऊ तक ये पूरी विजय रथ यात्रा निकाली जाएगी। आपको बता दें कि इस वक्त आगामी विधानसभा चुनाव से पहले विजय रथ यात्रा पूरे प्रदेश में निकाल रहे अखिलेश यादव, और इस वक्त आज के दिन 11:30 बजे करीब वहाँ पर एक सभा को संबोधित करेंगे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, जिसका कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया था। कल वो आए थे, आज उस पर विजय रथ यात्रा निकालेंगे अखिलेश यादव। इस पर बात करने के लिए हमारे सहयोगी जय त्रिपाठी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जय, क्या कुछ ये पूरा अभी कार्यक्रम है और क्या कुछ होने वाला है आज? अगर बात किया जाए तो कहीं ना कहीं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जिस तरीके से बनकर तैयार हो गया है, आपको बताते चले जाने वालों के लिए इन चीजों का विश्लेषण देते हुए 8 पेट्रोल पंप स्टेशनों का भी तैयार किया। तरीके से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे तैयार हो गया है, कहीं ना कहीं निशाना साधते हुए लोग नजर आ रहे हैं। अगर कांग्रेस के प्रमुख तिवारी का कहना है कि जो ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कहीं कहीं किया गया है, अभी पूरी तरह से तैयार नहीं। बात यह है कि मामले में तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के नेता लोग ये कहते हुए नजर आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं जो प्रोजेक्ट था ये ड्रीम प्रोजेक्ट पार्टी का था, लेकिन इसको भारतीय जनता पार्टी ने पूरा करते हुए इसका उद्घाटन किया। लेकिन जिस तरीके से आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश सिंह यादव आज पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, जैसे कि आपने बताया कि अखिलेश यादव आज पूरे कार्यक्रम यात्रा निकाल रहे हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर, तो इस कल ही उसका उद्घाटन हुआ है। प्रधानमंत्री आए थे, तमाम नेता आए थे, उसके बाद आज अखिलेश यादव उस एक्सप्रेसवे पर अपनी यात्रा निकाल रहे हैं, तो इससे क्या संदेश जाएगा जनता तक और क्या संदेश वो देना चाहेंगे? जा रहे हैं कहीं ना कहीं आज वो थोड़ा कहा और जगह जगह पर उनका स्वागत किया जा रहा है, और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे वो कहीं ना कहीं मैसेज प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। जो ड्रीम प्रोजेक्ट था समाजवादी का ही भारतीय जनता पार्टी ने पूरा करके उद्घाटन कर दिया, लेकिन आज जिस तरीके से निरीक्षण करेंगे उसमें क्या कमियां हैं, इन चीजों को जनता को बता। अब आने वाली बात यह है कि जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे तैयार हो गया इससे है उस जनता को कितना लाभ मिलेगा, ये देखने वाली बात है यार। जी बहुत बहुत शुक्रिया जय, इस मामले में तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो जैसा कि हमारे सहयोगी ने बताया कि पूरी तैयारी हो चुकी है, सपा कार्यकर्ता वहां पहुंच चुके हैं, और आज कहा जा सकता है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर आज पूरे लाल झंडों के साथ सपा के कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। अखिलेश यादव आएंगे वहां पर, एक जनसभा को संबोधित करेंगे।